हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस मैंग्रेस यू आई जी के ओ दैट इज इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड एजुकेशनिस्ट फॉर ग्रेट नाइन्थ ओके तो अब हम आ गए हैं आगे पढ़ने वाले हैं हम आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और वो टॉपिक होने वाला है फर्स्ट एनिमल्स के बारे में जो अर्थ पे आए थे जो फर्स्ट एनिमल्स जो कि दुनिया में जो सबसे पहले आए सबसे पहले हमारी ज़मीन पे हमारे अर्थ पे जो चले थे हम आज उनके बारे में बात करने वाले हैं हमें ऐसा लगता है दैट वी आर दी ओनर्स ऑफ द अर्थ राइट हमें लगता है दैट वी आर दी बॉस ऑफ दी प्लानट वी आर दी ओनर्स एंड वी आर दी मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स बट ऐसा नहीं है ऐसा कतई नहीं है हमसे पहले बहुत सारी ऐसी प्रजातियां बहुत सारी स्पीशीज थी जो यहाँ पे इसको अपना घर बना

लिंक नहीं हो पा रहे वो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है जैसा कि यहाँ पे लिखा है साथ में चलेंगे तो हम होंगे कामयाब तो बिल्कुल घबराना नहीं है हम आगे पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एवर एनिमल्स ऑन अर्थ ओके यहां पे आप देख के समझ सकते हैं कि पहले और आप बहुत थैंकफुल भी हो सकते हैं कि जब ये सब दुनिया में थे तब हम नहीं थे ये काफी अच्छा हुआ क्योंकि ये लोग अगर दुनिया में रहते और इनके साथ साथ हम रहते तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारा क्या होता <coughs> अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं वैसे तो हमें पता है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं द फर्स्ट एवर एनिमल्स टू वॉक ऑन लैंड द फर्स्ट एनिमल्स टू वॉक ऑन लैंड व कॉल्ड इनका जो नाम है वो है टेट्रापॉड्स ये विलुप्त प्रजाति है इनमें जो टेट्रापॉड्स होते हैं बेसिकली ये एंशियंट ग्रीक से इसका नाम आया था जिनका मालूम होता है जिनका फोर लेग्ड से मतलब है इनका ठीक है जिनके चार पैर थे अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की राइट अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो जो हमने पढ़े थे ना कैम्ब्रियन एरा और उससे पहले हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली फोर लेग्ड एनिमल की तो पहले फोर लेग्ड एनिमल कौन से थे वो थे टेट्रापॉड ठीक है टेट्रापॉड जो डायनासोर और बर्ड्स की बात करते हैं हम उस टाइप की बात कर रहे हैं हम उतनी प्रीहिस्टोरिक दुनिया की बात कर रहे हैं और थैंकफुली या yeah, जो भी हम उसको कहें कि वो अब दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं राइट फर्स्ट फॉसिबल्स फॉसल्स ऑफ एनिमल दैट कूड वॉक ऑन लैंड व फाउंड आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए राइट वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स दैट वॉकड ऑन अर्थ ओके तो जो

मैमल का जो सॉरी एनिमल का जो कि वॉक किया अर्थ के सरफेस पे लैंड के सरफेस पे वो पाया गया था विलीज होल में जो कि स्कॉटलैंड में है ओके तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर है कि पहला फॉसल कहां मिला था पहला फॉसल मिला था स्कॉटलैंड में कहां पे होल में तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बिगाड़ेंगे आप बिल्कुल नहीं नाउ द फर्स्ट फ्रीचर बिलीव टू हैव ऑन लैंड इज नोन एज एक्स्टिग एक्टिग नाम का एक एक एनिमल था जो कि पाया जाता है कि वो आ, माना जाता है कि वो दुनिया में सबसे पहला जीव था जो कि जमीन पे उतरा था उतरा तो नहीं कहेंगे उसकी उत्पत्ति हुई थी इवॉल्व हुआ था तो उतरना तो काइंड ऑफ थोड़ा सा वरी टाइप की फीलिंग आ जाती है ना नहीं नहीं उतरा नहीं था पहला ऐसा जीव था जो डेवलप हुआ था और अर्थ पे चला था वैसे एक तरह की मछली होती है बाय द वे है ना तो आ, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मछली मतलब आज के टाइम की अगर आप मछली सोचेंगे ना तो ये वैसी मछली नहीं होती कि आप सोचें आप ट्राउट की बात कर रहे हैं या हिल्सा की बात कर रहे हैं या और कौन कौन सी फिशेज होती हैं बहुत सारी फिशिज होती हैं राइट कि आप पोमफ्रेट की बात करें उस टाइप की मछली नहीं होती थी पहले हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइप की हर चीज बहुत लार्ज बहुत मैमथ टाइप के हम वर्जन की बात कर रहे हैं तो खैर आपने ये नाम समझ लिया अब सेकंड पे हम आ जाते हैं द फर्स्ट मैमल्स अपियर ड्यूरिंग द क्या होता था जो छोटे मौत जीव होते थे वो कॉन्स्टेंट फेर में रहते थे किसके डायनासोरस के डायनासोर्स जो थे उस टाइम पे पूरी दुनिया पे उनका कब्जा था पूरी अर्थ जो था वो पूरी उनकी दुनिया थी ऑब्वियसली वो बहुत सारे जो कॉन्टिनें हैं वहां पर उनके अवशेष पाए गए बहुत सारी जगह पर उनके फॉसल्स पाए गए और पता चला हमें कि डाइनोसॉर्स जो थे वो एग्ज़िस्ट करते थे और मिसोजोइ एरा में उनका आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत उनका जो एक छत्र राज था जिसको हम कहते हैं ना मोनोपली उस टाइप की उनकी कोई चीज थी और उनकी बहुत सारी स्पीशीज बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी कुछ उसमें से जो होते थे वह वो हर्बीवोरस भी होते थे जो कि सिर्फ पेड़ पौधों पे जीते थे लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो प्रेडेटर्स माने जाते थे और ज़्यादातर जो उनकी स्पीशीज थी वो खतरनाक मानी जाती थी ओके तो इस पे हम चलते हैं आजकल आपने लिजर्ड देखी ना जो हमारे हाउस होती हैं या इनफैक्ट गिरगिट होते हैं वो आप कह सकते हैं कि वो मिनिएचर फॉर्म लगते हैं कहीं से अगर आप पास में देखें तो डायनासोर के जो मिनिएचर फॉर्म्स हैं वो उस तरह के दिखते होंगे उसको आप कई गुना बड़ा कर लीजिए तो वो एक बड़ा सा आपको डायनासोर दिखाई देगा ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे The first animals that walked on lands were called tetrapods. It is believed that the first tetrapod walked in the parts of a planet where Scotland is situated today. जैसे कि कहा गया है क्योंकि विली होल्स में उनके फॉसिल्स मिले थे तो ये माना जाता है कि पहला टेट्रोपोट जो थे जो शुरुआती टेटरपोर्ट थे वो दुनिया में वहां पे उन्होंने अपना घर बसाया था वहां पे उनकी मोनोपली थी वहां वे सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते थे जहां पे आज का प्रेजेंट डे स्कॉटलैंड है मतलब हम बात कर रहे हैं बेसिकली आप समझ सकते हैं हम कहा की बात कर रहे हैं अगर आप आग बन करके हमारा वर्ल्ड मैप इमेजिन करें तो आपको मालूम है स्कॉटलैंड कहां पर है वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन एरिया राइट हम यूरोप यूरोप बात कर रहे हैं तो वो एरिया माना जाता है कि वो नेटिव थे यूरोप के उस 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 प्रांत में वो सबसे ज्यादा पाए जाते थे फॉसिल्स ऑफ फोर लेग्ड एनिमल्स अ फाउंड नियर चर्नसाइड इन स्कॉटलैंड राइट चर्नसाइड स्कॉटलैंड ये उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी बता दिया कि कहां पाए गए थे और इस तरह के वो फॉसिल थे राइट right? इस तरह का फॉसिल था और उन्होंने स्पेसिफिक एरिया भी आपको बता दिया है These remains were believed to be from 360 million years ago, the time when animals with backbones started making the transition from sea to land, right? और ये जो fossils जो Willy Hole में पाए गए थे, इनको माना जाता है ये तकरीबन 360 million million वर्ष पुराने थे। Can you imagine 360 वर्षी बहुत होते हैं? तो आप इसमें million जोड़ लीजिए, 360 million वर्ष पुराने फॉसिल्स जो है वो पाए गए थे स्कॉटलैंड में और ये वो समय माना जाता है जब चार फीट के जो जानवर थे जो प्रजाति थी वो अपना जगह जो थे वो सपानी से निकल के लैंड में आ रहे थे राइट तो इस जमाने के ये फॉसल्स माने जाते हैं ये तो हमें पता है ना ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पानी से जीव की लाइफ की उत्पत्ति हुई थी राइट चाहे वो प्लांट किंगडम की हो चाहे वो एनिमल किंगडम की हो ये हमारा कंसेप्ट थ्रू है तो अब हम जब बात कर रहे हैं तो अब हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब ये जो जीव थे उनमें पैर डेवलप हो गए थे उनके पैर आ गए थे इवॉल्व हो गए थे उनके फोर फुट और वो धीरे धीरे पानी से चलते चलते जमीन में आ गए थे ओके सो ये भी कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है

और फाइनली बहुत सालों के प्रयास के बाद बहुत सालों की मेहनत के बाद बहुत सालों के रिसर्च के बाद बहुत साल के शोध के बाद 2015 में 2015 में वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी रीसेंट टाइम्स 2015 में उनको पांच नए फॉसिल्स और मिलते हैं वहाँ से जिसमें क्या होता है और वो जो पांच फॉसिल्स मिलते हैं वो अगेन ये पता किया जाता है उनकी जो आ, ए, एज उनकी जब एज स्टडी की जाती है उनके फॉसल्स की जब स्टडी की जाती है तो ये पता चलता है कि ये भी उसी जमाने के हैं एरा के हैं और ये तभी की हैं जब वो ट्रांजिशनल टाइम चल रहा था फ्रॉम फ्रॉम सी टू लैंड राइट और ये सबसे पुराने जीव माने जाते हैं जो कि अर्थ पे चले थे आप यहां पे देख सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहले जितने भी जीव थे ये पानी के अंदर थे और धीरे धीरे ही अपने पैर इनके डेवलप होते हैं धीरे धीरे जो इनके फीट हैं जैसे जैसे जब हम कहते हैं ना कि जिस तरह एवोल्यूशन होता जाता है ओवर द सेंचुरीज ओवर मिलियन ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन जो पार्ट्स बॉडी के रिक्वायर्ड होते हैं जो कि यूज होते हैं वो रिटेन uh, होते जाते हैं उस तरह से हमारी जो बॉडी है वो अंडग जाती है दैट uh, द चेंजेस तो धीरे धीरे ये जो है इनके लिम्स डेवलप होते हैं पैर डेवलप होते हैं और फिर ये अपना रास्ता पानी से जमीन की ओर निकालते हैं राइट सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड Once they stepped foot on on, land, tetrapods were divided in two groups. Early the the ancestors of reptiles, birds and mammals, and the ancestors of of birds and and mammals, जमीन पे आते हैं तो tetrapods को दो में divide कर दिया जाता है ठीक है दो जिसको हम कहते हैं दो categories में divide कर देते हैं पहला क्या है पहला तो ठीक है पहला तो हमने कह दिया कि हमने इंसेस्टर्स को, इनको बोल दिया गया कि जो रेप्टाइल्स हैं, उनके पूर्वज हैं ठीक है जितने भी रेप्टाइल्स हैं रेप्टाइल्स कौन से आपको मालूम है हो स्नेक्स हो गए गए सो सो एंड उनके ये पूर्वज हैं हमने मान लिया उसमें बर्ड्स भी आ जाती हैं मैमल्स भी आ जाते हैं और एक है इंसेस्टर्स ऑफ इंफीबियन ठीक है तो एक एक साइड हो गया एक दूसरी साइड हो गया दिस मीन टेक्निकली ऑल मैम फ्रॉम स्कॉटलैंड तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं इसकी एक और बहुत जो इसकी बहुत रोचक सी जानकारी है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो हम समझ सकते हैं वो ये कि जितने भी मैमल्स हैं मैमल्स मतलब हम भी राइट right? आप और मैं भी जितने भी मैमल्स हैं हम सब बेसिकली नेटिव हैं कहाँ के स्कॉटलैंड के हम सारे इस बाय नेटिव अगर हम इंसेस्टर्स की बात करते हैं ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है इस जन्म में हम सारे इंडियंस हैं एंड वी शुड बी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ इट जब हम की बात करते हैं तो सारे स्कॉटलैंड से आते हैं <coughs> <coughs> हम आज आते हैं नेक्स्ट पे ये जो है हम पढ़ चुके हैं पहला जब हम बात करते हैं इक्थियोस्टिगा. इक्थियोस्टिगा, कितना इंटरेस्टिंग नाम है एक्स्टिका एक जो है बेसिकली एक डेवोनियन डायनासोरस है डेवोनियन एरा है राइट right? डेवोनियन जो है एक एरा है डेवोनियन एक टाइम है जिसको बोलते हैं एक एरा है डायनासोर पार्क द फर्स्ट क्रीचर दैट मोस्ट साइंटिस्ट कंसिडर टू हैव वॉक ऑन लैंड टुडे इज एक तो अगर आपसे कोई बोलता है कि पहला वो जीव कौन सा है जिसने अर्थ पे चला था तो साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि वो ये है

आ गया समझ में आपको तो आम ऐसा नहीं है कि पहले ये फिश की प्रजाति मानी जाती थी एक तरह की मछली थी जो पानी में रहती थी और धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि आपने इमेजिन किया इसको कि धीरे धीरे जो जमीन से चली और धीरे एकदम एकदम ये ये गई जमीन पे और फटाक फटाक फट, फट 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 इसके पैर आ गए और ये फट, फट फट चलने लग गई और एकदम दौड़ने लग एक गई ऐसा नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली ओवर द इयर्स ऑफ एवल्यूशन ओवर द इयर्स ऑफ प्रोसेसिंग उसके बाद उसके पैर आए होंगे जो लिम्स होंगे फिर वो धीरे धीरे ते रेंगते क्रॉल करते 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 अपने जो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली उसके पैर नाजुक भी होंगे धीरे-धीरे वो फ्रंट लिम्स से क्रॉल करते-करते बाहर आया होगा और फिर वो धीरे-धीरे वॉक करता होगा जिसको हम बोलते हैं ना बैसाखी लेके चलना इतने धीरे-धीरे वो क्रचेस जैसे उस पे वॉक करते हुए आगे बढ़ा होगा ओके At first, it was believed that the creature walked similarly to salamander. However, recent findings have proven otherwise. पहले ये माना जाता था कि ये जो है salamander जैसे चलता होगा, लेकिन जो recent findings हैं, वो बताती हैं कि ऐसा नहीं था, बल्कि इसका उल्टा था. इसका क्या था? फिश मोर <además> <grab Jeans> hmm. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है ये एक मछली से ज्यादा रिजेंबल करती थी और लिज़र्ड से कम रिजेंबल करती थी देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम लिज़र्ड की बात कर रहे हैं बट अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो आपको फील होगा अगर आप इसकी पुरानी फोटो देखेंगे देखिए यहां पर देखिए आप इसको यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये लिजर्ट से ज्यादा मछली जैसी है इजेंटेड और फिर आगे चल के ये ऐसे डेवलप होती है जब ये जमीन पे निकलना चालू करती है और उसके बाद ये और डेवलप होती चली जाती है ओके okay? सो so अब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम हैड हैरी वेट एंड ड्राई पीरियड द एनिमल्स नीडेड टू बी एबल टू स्विम एंड वॉक अब जब आप कहते हैं ना कि किसी भी चीज की जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट की चीजों की दुनिया की तो कोई भी जब एवोल्यूशन होता है कोई भी चीज होती है वो क्यों होती है वो होती है सर्वाइवल के लिए सबसे जो बेसिक

इस वजह से क्योंकि वो जो हालात थे उस टाइम पे जो दुनिया थी जिस तरह की सिचुएशंस हो रही थी जिस तरह की यू you नो know, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती थी वहां पे तो उस टाइम पे क्या होते थे कि कई बार बहुत वेट और ड्राई कंडीशंस होती थी तो जो भी सर्वाइवल के लिए जो भी करना पड़ता था ना जो एग्जिस्टिंग uh, एनिमल्स थे उनको क्या करना पड़ता था उनको तैरना और चलना दोनों आना चाहिए तो ओवर दस ऑफ द टाइम ये एवोल्यूशन टेक प्लेस करता है अब हम बात करते हैं फिर से अब हम बात करते हैं फिर से द पेलियोजोइक एरा पेलियोजोइक एरा आपको मालूम है जब आपने एरास के बारे में अभी पढ़ा था तो आपको बहुत क्लियर होगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एरास जिसमें मीसोजोइ होता है और प्री कैम्ब्रियन होता है कैम्ब्रियन होता है और भी बहुत सारे होते हैं प्रोटोजो होता है राइट तो अभी जो खासकर जब हम बात करते हैं इसकी पर्टिकुलर एरा की जो कि टू फाइव अगो राइट वी आर टॉकिंग अबाउट अभी हम बहुत प्रीहिस्टोरिक की बात कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज देयर जब हम बात करते हैं बेसिकली पेलियो एक एरा की तो उसकी जो खासियत है जो उसकी खूबी है वो ये है कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद ये स्टार्ट होता है और इस टाइम पे जो मरीन uh, लाइफ का जो डाइवर्जन है वो सबसे ज्यादा इस एरा के बाद होता है इस एरा में होता है ओके तो वी आर थ्रू विद अब हम आ जाते हैं सेकंड पे सेकेंड हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड टेट्रापोट की ठीक <coughs> है हम सेकेंड पे आ गए हैं अब हम बात कर रहे हैं टेमनो स्पॉन्डाइल्स फ्रॉम विच द मॉडर्न इनफीमिल्स ओरिजिनेटेड अब हम आ गए हैं मॉडर्न डे इनफीमिल्स पे और उनके इनसेस्टर्स पे उनके पूर्वजों पर राइट right? वो कहां से आए हैं और वो कहां से आए हैं भाई हमको पता है कि वो आए हैं टेमनो स्पॉन्डलाइस से राइट right? uh, इसका अगर आपको अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कोई चीज आपको मुश्किल लगती है आपको याद करने में समझ में नहीं आती तो वॉट यू टू डू इसका जो सबसे बढ़िया सिंपल सा तरीका है कि आप उसको डिवाइड कर लीजिए और फिर आप उसको याद कर लीजिए जैसे अब हम कैसे करेंगे टेमनोड तो हमें याद हो गया राइट इस तरह से हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे आते हैं हम ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कि अगेन मिलियंस की बात कर रहे हैं हम थ्री मिलियन इयर्स अगो टू 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 नाइन नाइन मिलियन यो चेट्रापो मीनिंग फोर फूटेड क्रीचर्स बिगेन है स्टैंडाइज नंबर ऑफ डिजिट्स फिंगर ऑन देयर हैंड्स एंड फीट अब

ठीक है इसमें से दो आते हैं पहला जो है वो जब हम बात कर रहे हैं टेम्नो की तो टेम्नो से क्या आते हैं जो आज के डेट के जो एम्फीबियंस हैं वो यहां से आते हैं इनकी उत्पत्ति यहां से होती है धीरे धीरे जो उनके वंशज हैं वो है आज के जो एम्फीबियंस हैं और हम बात करते हैं जब एंथ्रकोसर्स की तो उनके जो वंशज हैं वो कौन हैं वो डिस्टेंट रिलेटिव हैं रेप्टाइल्स और मैमल्स के ठीक है वो डायरेक्ट वंशज नहीं है वो दूर दराज के भाई बंध हैं दूर दराज के रिश्तेदार हैं गॉडनेस ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये जो है टेमनो जो है टेमनो जो है ये सीधे सीधे एम्फीबियंस के पूर्वज हैं और एंथ्रोकसोर्स जो हैं वो सीधे सीधे पूर्वज नहीं हैं आज के जमाने के जो आज के टाइम पे जो रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं वो इनके दूरदराज के रिश्तेदार हैं ठीक है ना कंसेप्ट अब आते हैं आगे द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप बिलीव टू हैव नीडेड टू रिटर्न टू द सी टू ले एग्स अब हुआ क्या वो एम्फीबियंस के क्यों हैं ये इसमें जो डिशन हुआ वो क्यों हुआ क्योंकि वो बाहर तो आ गए जमीन पे तो आ गए लेकिन वो अभी इतना नहीं हो पाए थे जमीन से या लैंड से या उसके एनवायरमेंट से कि वो हर चीज के लिए वो हंड्रेड परसेंट वहां पे सस्टेन कर पाए तो हुआ क्या कि उनको जब ले करने होते थे एग्स अपने अंडे देने होते थे तो उनको वापस पानी में जाना पड़ता था राइट तो इस वजह से ये जो डिविजन है ये दो में क्लासीफाई हुआ उसके बाद द एग्स लेड बाय द अदर ग्रुप है मेम्ब्रेन दैट अलाउड देम टू डेवलप ऑन लैंड नॉर्मली जबकि दूसरी जो कैटेगरी थी है ना जिसकी बात हम कर रहे थे जो कि भाई बन थे नाते रिश्तेदार थे रेप्टाइल और मैमल्स की उनमें क्या होता था उनके जो अंडे होते थे उनके ऊपर एक कवरिंग होती थी एक होती थी जिसके कारण उनको वो लैंड पे भी आराम से नॉर्मली नॉर्मली सस्टेन कर लेते थे और वहां पे भी उनको उनको जो जो हैचिंग थी या उनको जो बाहर आनास होता था वो प्रॉब्लम नहीं होती थी उनके ऑफ स्प्रिंग्स को राइट तो अब हमें क्लियर हो गया कि इसमें डिविजन क्यों आया अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आ गए थर्ड पे थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टर्मियन पीरियड टेट्रापो की Permian period क्या है अब हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड मिलियन इयर्स अगो तक की हम बात कर रहे हैं अब और इसमें क्या होता है दो और ग्रुप जो है वो डेवलप्ड द द अपसिट्स ठीक है इसमें दो और ग्रुप जुड़ जाते हैं इसमें उनका नाम क्या है सोरपसिट्स एंड साइनापसिड्स और इसमें क्या होता है इसमें ये होते हैं कि साइनापसिड्स जो होते हैं वो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस पीरियड एज दल्ड इन टू दैप्सिड्स देन बिकेम द फर्स्ट मैमल ठीक है इसमें भी दो डिवीज़न हो जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया और इसमें से भी जो एक है जिनका नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के माने जाते हैं क्यों क्योंकि ये आगे चल के इवॉल्व होते हैं थेपसिड्स में जो कि आगे चल के मैमल्स का रूप लेते हैं ओके एट द एंड ऑफ दिस पीरियड अ लार्ज स्केल एक्सटेंशन इवेंट happened एंड मल्टीपल स्पीशीज were कंप्लीटली wiped आउट अब uh, ये जब हम एरा की बात कर रहे हैं कौन से एरा के आपको कंफ्यूजन नहीं होता है परमिन पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो पर्मिनंट पीरियड जो कि हम बात कर रहे हैं uh, कौन से टाइम 298.9 million मिलियन से लेके 252 फिफ्टी मिलियन के बीच में इसकी जो खासियत है इसकी खासियत यह है कि पहली चीज इसमें जो मैमल्स के जो इंसिस्टर था वो हमें क्लियर हो गया था कि कहाँ से डेवलप होते होते मैमल बनते हैं और चीज इस पीरियड में सबसे ज्यादा एक्सटेंक्शन हुए हैं सबसे ज्यादा एक्सटेंक्शन हुए हैं और बहुत बड़ा एक जो जिसको बोलते हैं समूह या प्रजाति या स्पीशीज पूरी तरह वाइप आउट हो जाते हैं अब उसका रीजन बहुत अलग अलग हो सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं इसके बहुत अलग अलग व्यूज रखते हैं कुछ कहते हैं कि बहुत कोई बड़े जो मे बी कोई एक्सप्लोजन uh, हुआ था जिसके कारण ऐसा होता है कुछ बोलते हैं कि कुछ मे uh, बी कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से बहुत सालों तक आपको मालूम है जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की तो हमें मालूम है कि एक्सप्लोजन भी होता है उसमें बहुत सालों तक वर्षा होती है जिसकी वजह से जो जिसको हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन भी होता है जिसकी वजह से हीट जो है टेम्परेचर अर्थ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर कई सालों की वर्षा होती है जो कई लगातार कई सालों तक होती है फिर उसके बाद लाइफ की उत्पत्ति होती है वो सब हमने कांसेप्ट पढ़े हुए हैं राइट तो वो हमें क्लियर है तो इसी तरह का कोई एक नेचुरल प्रोसेस हुआ होगा कोई नेचुरल इवेंट हुआ होगा इसके बारे में वैज्ञानिक जो है अभी भी बहुत ज्यादा बटे हुए हैं कि एग्जैक्टली exactly रीजन क्या होगा लेकिन हमें उसका जो आउटकम है हमें वो क्लियर है और वो ये है कि बहुत बड़ा जो चंक है बहुत बड़ा जो एक समुदाय है जो स्पीशीज है वो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाते हैं अर्थ के सर्विस से जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो जाती हैं Various groups that were previously large in numbers were either severely reduced or died out entirely. जो जीव थे राइट right? उस जमाने में जो साइजेस uh, था वो बहुत बड़े होते थे चाहे वो पेड़ हो चाहे वो जीव जंतु हो बहुत बड़े हुआ करते थे राइट right? उनका जो साइज था वो आज के टाइम से कई गुना ज्यादा होते थे इनफैक्ट अगर आप वेल का भी साइज लेंगे तो आज का जो हमारी ब्लू वेल का साइज है और उस जमाने में जब हम बात करते हैं जो मछली का साइज होता था जो वेल का साइज होता था उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है द एनिमल्स एट दैट टाइम व मैसिव एंड दे व्यूज राइट और ये uh, बट उनकी एक कमी थी कि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते थे वो बहुत ज़्यादा अडेप्टबल नहीं थे और मे बी कुछ जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी बनी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हुए होंगे कुछ ऐसे हालात हुए होंगे कुछ मे बी एक्सप्लोजन हुआ होगा बैंक हुआ होगा कोई ऐसी सिचुएशंस बनी हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो चंक है वो पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो जाता है या फिर अगर बचता भी है तो बहुत ही निगलिजबल जो उसके नंबर्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं फिर अब हम आ जाते हैं मीसोजोइ्रापोट्स पे जब हम बात कर रहे हैं मीसोजोइ्रापोट की तो हमें मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एरा राइट वो हमें क्लियर है अब हम बात करते हैं इस एरा में ग्रुप एक अलग सा ग्रुप डेवलप होना चालू होता है जिसको बोलते हैं हम डायपसाइड ठीक है वो एक अलग सा ग्रुप इसमें डेवलप होना चालू होता है इसके बाद इस ग्रुप में क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वी नो टुडे डेवलप सच एज टर्टल्स क्रोकोडाइल्स एंड डायनासोर्स इस टाइम पे इस टाइम पे जो आज के जमाने में जो हम एनिमल्स को जानते हैं डायनासॉर्स तो खैर थे पहले भी थे लेकिन आ, इस जमाने में जो आज की डेट में जो हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है ना वो डायनासॉर्स के आने लगते हैं और टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स और इस तरह के जो जीव हैं, वो डेवलप होते हैं ओके okay? और इसके बाद द अपियरेंस बिगेन विद्राइसिक

ये चलता है पार्ट ऑफ़ द एरा तक, ठीक है ये जो डेट्स हैं आप इनको आ, याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको लग रहा होगा कि मैम कितनी सारी डेट्स बता रही कहां से याद रहेंगे इतनी याद करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ एक चार्ट बना सकते हैं उसमें आप सिर्फ एराज लिखते जाइए आगे आप उनके डैश करके उनके जो बेसिक क्टरिस्टिक है वो लिखते जाइए चाहे तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीन भी ले सकते हैं राइट बट इट इज ऑलवेज हैंडी आप नोट्स बनाइए ताकि वो आपको ज्यादा रिटेन होंगे ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे ओके okay? अब देखिए जुरासिक पार्क तो ज्यादा मुश्किल है नहीं बहुत ज्यादा जो हमने एहरा डिस्कस किए हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो हमें क्लियर है राइट right? तो आपको बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि किस सच मुश्किल होने वाली है पर ठीक है नाउ दिस पार्क द टाइम वेन वी स्टार्ट टू रिक्नाइज एनिमल्स एट रोम द सर्फेस अब ये वो टाइम है अब फाइनली भाई साहब हम उस टाइम पे आ गए हैं जब थोड़ी बहुत आसपास की जो दुनिया है वो पहचानने की वो हमारी पहचान की दिखने लगी है है ना अब जो लोग हैं जो जीव हैं जो जंतु हैं वो थोड़े बहुत कुछ संपट बैठ रहे हैं कुछ समझ में आ रहे हैं कि ओके ये हैं क्या अभी तक तो हम जिनकी बात कर रहे थे वो तो हम ने सिर्फ आ, पिक्चर्स में भी देखा है पिक्चर्स में भी एक्चुअली नहीं देखा है हमने क्योंकि उनके ऊपर उनकी जो जिसको हम कह सकते हैं ना कि बहुत ही क्रेडिबल कोई उनकी इमेजनरी पिक्चर्स भी नहीं बना पाए तो हमारे जो दिमाग में सिर्फ वही हम जानते हैं पर अब ये जो एरा रहा है यहां से इतना हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है कि हम एक क्रेडिबल इमेजरी इमेजरी के थ्रू इनको रिक्रिएट कर पाए हैं ये देखिए ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है अगर आपने जोरेसिक पार्क देखी होगी जो कि 1994 में स्पीलबर्ग की पिक्चर थी जो कि बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी तो ये आपको उसका एक दृश्य जैसा लग रहा होगा राइट जोरेसिक पार्क बनी थी डायनासोर्स के ऊपर और वो कब बनी थी वो बेसिकली बनी किस थ्योरी पे थी कि उनको बेसिकली एक ट्री रेजन में डायनासोर के कुछ वो मिलते हैं डीएनए के थ्रू वो उसको डेवलप करते हैं और वो डायनासोर को डेवलप करते हैं एंड दे मेक वो एक पार्क बनाते हैं जिसमें वो डायनासोर डायनासोर्स को रखते हैं और उसमें हर तरह के डायनासोर्स रहते हैं कार्निवोडोस भी रहते हैं ओमनिवोर्स भी रहते हैं और uh, किसको बोलते हैं हम हबी वोरस भी रहते हैं राइट right? और वो सोचते हैं कि उसको ह्यूमन लाइफ के साथ किस तरह से वो मिंगल अप कर सकते हैं और उनको लगता है कि उनने सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया होते हैं सब कुछ किया होता है लेकिन थिंग्स गो आउट ऑफ द हैंड एंड थिंग्स टर्न और थिंग्स टर्न इन टू और फाइनली उनको ये समझ में आता है कि भाई जो प्रकृति है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए डायनासॉर्स अगर विलुप्त हो गए हैं एक्सटिंक्ट हो गए हैं तो उनको एक्सटिंक्ट ही रहना चाहिए अगर हम उनको रिक्रिएट करेंगे अगर हम उनको डीएनए के थ्रू और अगर हम उनको आ, जिसको हम कहते हैं ना क्लोनिंग के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कल वो ह्यूमन लाइफ के लिए ही नुकसानदायक हो जाए राइट तो यहां से हमें पहली बार पता चला था जो हमने आ, पता चला था टीरेक्स के बारे में और डाना डायनोस के बारे में राइट टीरेक्स आपको मालूम है ना टीरेक्स बहुत खतरनाक डायनासोर होता है जो कि कार्निवोरस होता है जो अगर आपने जुरासिक पार्ट देखी है तो आपको मालूम है कि वो सबको जो जो जिसके ऊपर अटैक करते, है करते हैं वो टीरेक्सेस करते हैं ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अब हम बात करते हैं तो ये आपको क्लियर हो गया है तो जुरासिक पार्ट ऑफ तो द मीसिजोक एरा हम आगे चलते हैं अब हम आ जाते हैं फर्स्ट मैमल पे

ना ना ये आ, जो definitions है थोड़ी सी टफ होती है लेकिन अगर आप इनको आ, समझ लेंगे कि हम किस बारे में बात करें तो आपको ईजी हो जाएगी राइट तो हम जब बात कर रहे हैं करें की तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं मैमल लाइक -like, रेप्टाइल्स की जो कि एक्सटिंक्ट हो जाते हैं जोरेसिक पार्क में Jurassic period period. right? However, some of them evolved and and developed developed traits such as fur warm-blooded metabolism, which were then developed further in the upcoming uh, उत, उत्पन्न होते हैं दोबारा आते हैं और वो क्या करते हैं है उनका उनका जो ब्लड होता है वो वॉर्म होता है कोल्ड ब्लड नहीं होता वॉर्म ब्लडेड होते हैं और वो मेटाबोलिज्म जो है उनका डेवलप होता है एज warm-blooded एनिमल और उनमें फर डेवलप होते हैं है ना फरी होते हैं वो थोड़े से और वो क्या करते हैं कि वो अपकमिंग पीरियड्स में उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं बहुत सारे एवोल्यूशन होते हैं इट इज हार्ड टू डिस्टिंग बिटवीन द लास्ट टेरिपसिड एंड द फर्स्ट मैमल अब टेरिप्सिट्स और मैमल्स क्या होता है जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो वेलप्त हो जाते हैं और फिर वो दोबारा आगे के पीरियड में फर और मेटाबॉलिज्म डेवलप करते हैं तो इसमें ना ये जब uh, एवोल्यूशन है तो ये प्रोसेस में होता है राइट right? अभी हम इनको डेवलप कर रहे हैं अभी हम जब इनकी बात कर रहे हैं तो हमने इनको पीरियड्स में डिस्कस किया है हम इनको पीरियड्स में डिस्कस कर रहे हैं हमने उनको नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर करके हमने नंबरिंग दे दी पर जब हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन ऐसा नहीं होता है ना जब कोई इसी चीज़ का एवल्यूशन होता है तो जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत स्विफ्ट होता है उसमें कोई ऐसी डिवाइडिंग लाइन नहीं होती ऐसी कोई बीच की रेखा नहीं खींची जा सकती कि भाई यहां से ये था यहां वन खत्म हुआ अब यहां से टू चालू हुआ ऐसा तो नहीं होता राइट उसका जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत स्विफ्ट होता है बहुत स्मूथ होता है तो इस वजह से

जो कि इस पीरियड में रहते थे वो माना जा सकता है कि उनके बीच में कुछ मिसिंग लिंक हो सकती है जैसे मैंने कहा कि कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं हो सकती लेकिन एक चैनल होता है एक बीच में एक मिसिंग चैनल है और कुछ मोटिवरे ऐसे हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं भी होगी ऑब्वियसली है ना सबके फोसल्स तो हमको मिले नहीं हम किस बारे में किस तरह से इसको पढ़ते हैं जो कि हमारे पास जो चीजें हमें उस एरा के मिली होंगी वो उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं और कुछ साइंस जो होता है वो एजम्पन पे बेस होता है कि अगर ये मिला है तो फिर ऐसा भी होगा राइट right? तो वो जो पार्ट है ना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो मिसिंग लिंक है, वो शायद मैमल्स right? थे अभी तक हम पहले जो बात कर रहे थे डायनासोर्स की और वो जो एरा की जब हम बात कर रहे थे तब हम किसकी बात रहे थे की बात कर रहे थे? थे बहुत बड़े क्रिएशन की जो बहुत ह्यूज थे बहुत मैसिव थे बहुत बड़े थे उसके बाद क्या हुआ जब वो एक्सटिंक्ट हो गए खत्म हो गए तो उसके बाद जो मैमल्स आते हैं वो कंपेरेटिवली बहुत छोटे होते हैं उन मैमल्स से जो हम आज की डेट में समझते हैं राइट ओनली अ फ्यू वर लार्जर माइस एंड डोमिनेंस ऑफ द डे अब क्योंकि जो डायनासोर की संख्या थी वैसे तो बहुत जो बड़ा चंक था वो वाइप ऑफ हो जाता है लेकिन कुछ जो है जैसे मैंने कहा कि कुछ जो नेग्लेजबल थे कुछ जो नंबर थे कुछ थोड़े बहुत जो थे वो बच जाते हैं तो अब ये जो मैमल्स आते हैं ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं मतलब इनफैक्ट जो माइस है आज की डेट में उससे भी उसके उसके बराबर या उससे भी कम इनका साइज होगा तो ऑब्वियसली डायनासोर कहाँ एक डायनासोर और कहाँ एक माइस इमेजिन कोई कंपेरिजन ही नहीं है हाथी और चूहे का कंपेरिजन हम करते हैं कहानियां सुनते हैं तो हमें तो हम तो 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 भी नहीं बन पा रही है मतलब इतना भी नहीं हो पा रहा है कि इनके बीच में हम कोई स्टोरी बना पाए तो अब जब वो इतने छोटे मैमल्स हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करते थे उनको डायनासोर का बहुत डर लगता था तो वो क्या करते थे कि वो फीड करते थे प्लांट्स पे और छुपे रहते थे दुबके हुए रहते थे दिन के टाइम पे ठीक है अब इस तरह से हमने बेसिकली जो हमें डिवीजन थे वो हमने डिवीजन पढ़ लिए हैं हमें शुरुआती जो एनिमल्स हैं वो हमें समझ में आ गए हैं हमें ये पता चल गया कि वो कहाँ से निकले थे और हमें ये पता चल गया कि मैमल्स जो है वो हम मैमल्स की उत्पत्ति तक तो आ गए हैं अब मैमल्स का डेवलपमेंट कैसे 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 होता है बाकी एम्फीबियंस भी आगे चल के कैसे डेवलप होता है वो हम आगे पढ़ेंगे और भी मैटर है और भी है कहानी ये भी बहुत सारी बाकी है पर अगर जो ये अभी हमने पढ़ा अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट यू नीड टू डू आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे विच इज मैगनर आपको लॉग इन करना है इस तरह का पेज ओपन होगा आपको हमारे कोर्सेज के ऑप्शंस पर सेलेक्ट करना है नीचे आपको ओलंपियाड पे जाना है क्लिक करना है और अगेन ओलंपियाड का पेज ओपन हो जाएगा इसमें आपको इंग्लिश ओलंपियाड मैथ्स ओलंपियाड और जीके ओलंपियाड तीनों मिल जाएंगे फिर आप जीके ओलंपियाड पे जाएंगे क्लिक करेंगे और इस तरह का पेज ओपन होगा सिलेबस ओवरव्यू मिलेगा जो भी वीडियो देखना है उसको फटाफट 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 ऊपर फटा -फट, ऊपर करके स्क्रॉल कीजिए जहां से देखना है वो सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको डेटा चाहिए वो लीजिए प्रोसेस कीजिए फटाफट अपने दिमाग में और आगे बढ़ जाइए अब ओलंपियाड का जो डेली स्केड्यूल है वो आपको पता ही है कि हमारे जो वीडियोस हैं वो मंडे वेंसडे मंडे से वेंसडे के बीच में आते हैं और सुबह दस बजे जो है वो आई आता है एक बजे मैथ्स आता है और सात बजे हमारा जीके आता है राइट और अब अगर आपको यूट्यूब पे हमें देखना है तो आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है आपको आम, हमारी आ, जो हमें लॉग करना है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे सारे वीडियोज आपको वहां मिल जाएंगे